स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 55A के बारे में, क्लास फोर्थ की है। यहाँ पर आपको अपना सेशन, यहाँ अपनी टीचर का नेम, यहाँ अपना नेम लिखना है। ये पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक, ठीक है। और आज की तारीख कितनी है, 26/8/2021 तारीख है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हर संडे को क्या होता है, हमारी एक थैंक्स वीडियो आती है। अब साथ में एक कॉन्टेस्ट भी चालू करा है जो मंडे से सैटरडे तक के लिए। इस कॉन्टेस्ट में क्या है, आप सभी को वीडियो को अपने क्लास की लाइक करनी है और कमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें वीडियोज़ पर मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है। संडे को एक विनर अनाउंस होगा जिसको एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया जाएगा। तो यदि आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। इसमें बोला गया है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम पाठ दोस्त की पोशाक में कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए पाठ के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। जैसे जमल साहब फिर नाराज हो गए, और दूसरा क्या दिया गया बच्चों, दूसरा दिया गया है नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, ऊपर बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में नाराज और माफ़ी दोनों शब्दों में किसी एक कोण से बिंदी का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हो ना बच्चों, मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्या करा गया है, यहाँ पर एक बिंदी का प्रयोग किया गया है और एक बिंदी का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है, ठीक है। और इस बिंदी का प्रयोग करा गया है कुछ वर्णों में, ठीक है। एक एक वर्ण के नीचे क्या करा गया, बिंदी का प्रयोग करा गया। कुछ वर्ण हैं जैसे का, खा, गा, झा और फा के नीचे बिंदी नुकंत कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, नुकंत कहलाती है। और नुकंत लगाने के इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है। जैसे ही इनमें हम क्या करते हैं, नुकंत लगाते हैं, उच्चारण बदल जाता है। जैसे नाराज, माफ़ी, ठीक है, रंज, बाजार, फन, ठीक है, आदि, ठीक है। ये जो शब्द हैं इनके नीचे क्या करा जाता है, बिंदी लगाई जाती है। नीचे दिए गए कुछ शब्दों को पढ़ें और सही जगह क्या करें, बिंदी लगाएं। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, बिंदी बच्चों कहाँ लगेगी, जा के नीचे, ठीक है। आप इस जगह पे जा के नीचे क्या करना, यहाँ पर बच्चों क्या करना, बिंदी लगाना। यहाँ फा के नीचे इस जगह पे बिंदी लगाना, ठीक है। फा के नीचे क्या करोगे आप, बिंदी लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो आप है, इसमें कहाँ पर बिंदी लगाओगे, तो इसमें भी बेटा यहाँ फा के नीचे, जो आधा फा है इसके नीचे क्या करोगे, बिंदी लगाओगे, ठीक है, मूफंत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, खा, ठीक है, खा के नीचे जो है का, खा, तो खा जो होता है इसके नीचे क्या कर दोगे, इस जगह पे बिंदी लगा दोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बच्चों, अब अपने मन से सोच कर नुकंत वाले 5 शब्द लिखो, ठीक है। तो 5 शब्द नुकंत वाले कौन से हो सकते हैं, चलिए मैं इनका लिख के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो पहला कौन सा हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा माफ़ी। क्या लिखोगे बच्चों, माफ़ी, ठीक है। इसके बाद लिखोगे, इसके बाद बच्चों आप क्या करना, आप देखो माफ़ी लिख लेना और बाकी आप एक काम करना बच्चों, एक नाराज, माफ़ी, राज, बाजार और फन, ठीक है, ये 4 जो हैं लिख लेना। और इसके बाद क्या करना, एक इसमें से लिख देना, ठीक है, आप एक यहाँ से लिख देना। चलो एक मैं आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ, ये लिख देना अखबार, ठीक है। एक क्या करना, अखबार लिख देना। तो यहाँ पर आप कौन सा लिखोगे, पहला शब्द लिखोगे नाराज, नीचे बिंदी लगा देना, ठीक है। दूसरा शब्द क्या लिखोगे, माफ़ी, ठीक, बिंदी लगा देना इस जगह पे, ठीक। तीसरा शब्द क्या लिखोगे, बाजार, ठीक है, क्या करोगे, बाजार हो जाएगा, ठीक है। चौथा शब्द क्या लिखोगे बच्चों, रंज हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या लिखोगे, पांचवा लिख देना फन या जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्या दिया गया है, शब्दों के नीचे नुकुंत लगने से अर्थ में बदलाव आ जाता है। यानी जब नुकुंत लगता है शब्दों के नीचे तो उनके अर्थ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे
राजा और रंज। राजा का मतलब क्या होगा? शासन करने वाला। और रंज का मतलब होता है क्या? रहस्य। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिनके नीचे दिए गए हैं और इन शब्दों का अर्थ के अनुसार इनका क्या करें? प्रयोग करें। जैसे पहला शब्द आपको क्या है, देखो यहाँ पर दिया गया है तेज। ठीक है, ये क्या दिया गया है? तेज। तो तेज के आगे लिखो चमक, लिखा है याद से क्या है इसका? चमक। तो सूरज लिखो आप, सूरज तेज, सूरज का, बच्चों यहाँ पर लिखो पहले सूरज का तेज। ठीक है, सूरज का तेज अधिक है। ठीक, इसे लिख लेना, सूरज का तेज अधिक है। इसके नीचे वाले में तेज का मतलब गति है, तो वह तेज दौड़ता, ठीक है लिख दो, वह तेज दौड़ता है। इसके बाद देखो बच्चों क्या बोला गया है, इसके बाद देखो अगला क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है नज, यानी कि अनाज। ठीक है, आज लिखो यहाँ पर बच्चों, इसका उत्तर लिखो, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आज तुम खेत से नज ले आना। ठीक, ये वाले का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है गर्व, यानी कि हम भारत, लिखो हमें भारतीय होने में, हमें भारतीय होने में नंज, यहाँ अंक की नीचे बिंदी लगा देना, नंज है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलो आगे देखते क्या दिया गया है। आगे बोला गया है नसीरुद्दीन ने आज अपनी अचानक के कारण काफ़ी परेशानी है। ठीक है, इसलिए ये पाठ में आइए कुछ शब्दों का सही वर्तनी पहचान पा रहे हैं। आइए नीचे दिए गए शब्दों के समूह में सही वर्तनी पहचान कर सही का टिक लगाएं। ठीक है, और नसीरुद्दीन की क्या करें? मदद करें। ठीक है, जैसे पड़ोसी हो गया, परिचय परिचय परिचय, तो परिचय इसका क्या हो गया? ये हो गया मोहल्ला मोहल्ले मोहल्ले, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? मामूली मामूली या मामूली, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ये वाला क्या है? सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नसीरुद्दीन को अपनी अचकन से बहुत लगाव है। नसीरुद्दीन को क्या है? अपनी अचकन से बहुत लगाव है। हम सभी को अपनी कोई ना कोई पोशाक से बहुत पसंद होती हैं। बारिश के मौसम में आप कौन सी पोशाक पहनना पसंद करते हो, उसका चित्र बनाओ, रंग भरो। आप क्या करना, बारिश के मौसम में आपको जो पोशाक पहनना पसंद हो, जैसी भी ड्रेस पहनना पसंद हो, उसका चित्र यहाँ बनाना और उसमें क्या कर देना? रंग भर देना। ठीक है, उसमें क्या कर देना? रंग भर देना। आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है बच्चों? यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताओ, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद बच्चों, और वीडियो को जो है बच्चों याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहा है और उसमें अगर आप विन होते हैं तो आपको बढ़िया सा गिफ्ट संडे को मिलेगा।